हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमें एक्स की दो वैल्यू मिलती है, तो उन नंबर को ही हम बोलते हैं रूट्स। यानी कि जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है, उस आंसर को हम बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि उसके जो आंसर हमने फाइंड किए हैं, जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं, वो किस टाइप के होंगे, ये हम फाइंड करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। तो जैसे कि आपको याद होगा, चैप्टर 3 के अंदर जो इक्वेशंस होती थी, उन इक्वेशन के कोफिशेंट्स के रेशो को कंपेयर करके हम ये चेक कर सकते थे वहाँ पर कि वो इक्वेशन किस टाइप की है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। और साथ ही वहाँ पर हम ये भी पता करते थे कि उन इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी, कि इस इक्वेशन को सोल्व किए बिना हम ये पता कर सकते हैं कि जो इक्वेशन के आंसर होंगे, यानी कि जो इसके रूट्स होंगे, वो किस टाइप के होंगे। तो टोटल 3 केस यहाँ पर बनते हैं, और वो चेक करने के लिए हम इक्वेशन में से फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। और डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पर आपको पता है कि जनरल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें a होता है x स्क्वायर का कोफिशेंट, b होता है x का कोफिशेंट, और इसी तरह से c है कॉन्स्टेंट टर्म। तो इस a, b और c का यूज़ करके हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। और इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। तो इसमें से फर्स्ट केस आता है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाए। यानी कि अगर b² - 4ac अगर 0 से ग्रेटर है, यानी कि वो पॉजिटिव है, तो हम ये कहेंगे कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यानी कि जो दो रूट्स हम फाइंड करते हैं वो रियल होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। दैट मीन्स कि वो दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग नंबर वो हमें वहाँ पर मिलेंगे। सेकेंड केस आता है जब b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं टू इक्वल रियल रूट्स, यानी कि जो रूट्स हम फाइंड करेंगे वो रियल होंगे, लेकिन वो दोनों रूट इक्वल होंगे। दो नंबर जो हमें मिलेंगे वो दोनों नंबर सेम ही मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो पहले दो केस हैं, इन दोनों केस में हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर उसके बाद जो थर्ड केस है, b² - 4ac < 0, यानी कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, अगर ये नेगेटिव में आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि नो रियल रूट्स। यानी कि उस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो इस थर्ड वाले केस में हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। अब जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। अब उसके बाद दो और मेथड हैं जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले सम नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उनको सोल्व करना है, यानी कि उनके रूट्स को फाइंड करना है इफ़ दे एग्जिस्ट। यानी कि इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर b² - 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा, तो इन दोनों केस में उसके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, 0 से लेस हो जाए, तो उस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ चेक करने के बाद कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये चेक करने के बाद हमें उसको सोल्व करना है, और इसके लिए हमें मेथड यूज़ करना है यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड है इस चैप्टर का, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो हम इस सम नंबर 1 में यूज़ करेंगे। तो सम नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन हमें दी गई है 2x² - 7x + 3 = 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + 3 = 0, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि a की वैल्यू है 2, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3।
तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू को लिख देंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि हम यहाँ पर फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर इसकी जगह पर हम लिखेंगे इस माइनस सेवन का स्क्वायर, उसके बाद ये नेगेटिव का साइन, उसके बाद फोर ए सी यानी कि फोर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा ए यानी कि टू को और सी यानी कि थ्री को। तो जब हम माइनस सेवन का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वो पॉजिटिव ही मिलता है। इस तरह से माइनस सेवन का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 49। उसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज़, और जब हम 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 24। अब जब हम 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस है 25। और हम ये देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये जीरो से ग्रेटर है, जो नेचर ऑफ रूट्स का फर्स्ट वाला केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से ग्रेटर होता है तो हमने वहाँ पर ये कहा था कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि डिफरेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको फाइंड किया जा सकता है, और जब हम उनको फाइंड करेंगे तो वो दोनों नंबर डिफरेंट नंबर्स निकल कर हमारे सामने आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया है। अब इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है हम उसको 1 बना देंगे। जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है हम उसी नंबर से उस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 2, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 3x स्क्वायर होता तो इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते, या अगर यहाँ पर 7x स्क्वायर होता तो इक्वेशन को 7 से डिवाइड करते। तो अब यहाँ पर जब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 2x स्क्वायर है ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये जो माइनस 7x है ये हो जाएगा माइनस 7/2x, और ये जो 3 है ये हो जाएगा 3/2। उसके बाद जब 0 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 को हम चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इस मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इसमें हमें जो एक्स का कोफिशियंट है वो देखना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्स का कोफिशियंट है वो है 7/2। वो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो ये मैटर नहीं करता, आपको बस वहाँ से केवल उस नंबर को लेना है, उसका जो साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैटर नहीं करेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स के आगे नंबर लिखा हुआ है 7/2, तो हम इस 7/2 का हाफ़ करेंगे। ये मेथड का स्टेप है, इसको याद रखना है आपको। तो किसी भी नंबर का हाफ़ करने के लिए हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सिंपली हम उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 7/2 का हाफ़ करना चाह रहे हैं तो हमने 7/2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1/2 के साथ, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 इज 7 एंड 2 × 2 इज 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशियंट है हमें उस कोफिशियंट का हाफ लेना है। तो x का कोफिशियंट था 7/2, और 7/2 का जो हाफ है वो आ गया है हमारे पास 7/4। अब इस 7/4 को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, और किस तरीके से पुट करना है ये आप देखिए। यहाँ पर इस x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस 7/2x को हमने एज इट इज लिख दिया, और इस 3/2 को भी हमने एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर अभी हमने फाइंड किया था 7/4, उस 7/4 का स्क्वायर हमने इस इक्वेशन में एक बार प्लस किया है और एक बार माइनस किया है। आपको पता है जब भी हम किसी नंबर को किसी एक दूसरे नंबर में हम प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें तो ऐसा करने से उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 के साथ 3 को ऐड कर दें और साथ ही साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और वापस से वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो वही काम हमने इस इक्वेशन में किया है कि इस 7/4 के स्क्वायर को एक बार हमने ऐड कर दिया और इसी को हमने एक बार यहाँ पर माइनस भी कर दिया, यानी कि जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। हमने जिस नंबर को ऐड किया है उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और 7/4 ही हमने क्यों लिया, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्स का कोफिशियंट है हमारे पास 7/2,
हमने इस 7/2 का हाफ किया और तब हमारे पास आ गया है 7/4। तो आपको ये याद रखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड में कि जब आप इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को 1 बना लोगे, उसके बाद एक्स का जो भी कोफिशेंट होगा उस कोफिशेंट का हाफ करोगे और उस हाफ का स्क्वायर, 7/2 का हाफ किया 7/4 आया और उसका जो है हमने स्क्वायर लेना है 7/4 का स्क्वायर, तो x के कोफिशेंट के हाफ का स्क्वायर, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x के कोफिशेंट के हाफ का स्क्वायर उस इक्वेशन में आपको ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। और ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस है ये हमेशा इन दोनों टर्म्स के बीच में ही रहेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स थी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 5 टर्म्स आ गई हैं। अब इसमें से जो पहली 3 टर्म हैं, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होकर स्क्वायर बना देंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमने इन तीनों टर्म्स को एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, इसीलिए इस मेथड का नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये हमने कैसे किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और हम इसको ओपन करना चाहें, तो आपको पता है कि इसको ओपन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा आइडेंटिटी को, और वो आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x × 7/4। एंड देन उस बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे, 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर एक स्टेप और आगे हम सोल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस इस 2 से 4 को डिवाइड किया जा सकता है 2 पे, यानी कि अब हमारे पास जो नंबर है वो तो आ गया है 7/2, वेरिएबल है x, और जो थर्ड टर्म है उसको एज इट इज हम लिख रहे हैं कि 7/4 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है आप इसको ध्यान से देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और ये किसको सोल्व करके आई है, ये इसको सोल्व करके आई है। और अगर हम अपने सम को देखें तो हमारे सम के अंदर ये तीन टर्म्स एज इट इज हैं जो हमारे पास यहाँ भी लिखी हुई हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करके इसके इक्वल दिखा सकते हैं तो इसकी जगह पर हम वापस से इस x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे उस आइडेंटिटी को यूज़ करके तो वापस से ये तीन टर्म्स ही हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद जो टर्म्स थी, जैसे कि ये माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो इस माइनस को एज इट इज हम लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। फिर जब 7/4 का स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद ये जो प्लस 3/2 है ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके बाद जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है इसको तो एज इट इज हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, लेकिन इस माइनस 49/16 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में, और इस 3/2 को हम ले जाएंगे उधर माइनस में। अब जब हम राइट हैंड साइड में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए हमें 16 और 2 का एलसीएम लेना होगा, और 16 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 16। तो जब इस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 49 से 49 ही आ जाएगा। जब हम 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 16 को डिवाइड किया जा सकता है 8 पर, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 24। इस तरह से 49 माइनस 24 यानी कि 25 और डिवाइड में है 16। तो अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे रूट की फॉर्म में। और ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर भी बताया था कि जब हम स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड रूट में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हमें उसके साथ प्लस और माइनस का साइन भी लगाना पड़ता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आए हैं रूट में, और यहाँ पर हमने इसके साथ प्लस माइनस का साइन भी लगा दिया। तो जब हम इस स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे 25 का रूट हो जाएगा 5 और 16 का रूट हो जाएगा 4,
तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस 7/4 के इक्वल में लिखा हुआ है प्लस माइनस 5/4। तो इसलिए हम इस x माइनस 7/4 को एक बार तो लिखेंगे प्लस 5/4 के इक्वल, और इसी x माइनस 7/4 को एक बार हम लिखेंगे माइनस 5/4 के इक्वल। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 5/4 प्लस और माइनस दोनों ही साइन इसके साथ लगे हुए थे, तो हमने इसको एक बार यहाँ प्लस में लिख दिया है और एक बार यहाँ माइनस में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस 7/4 जो है ये इधर आ जाएगा प्लस में, और इन दोनों को ऐड करने के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एज इट इज हमने लिख दिया है, और इसके न्यूमिनेटर को यानी कि 7 और 5 को ऐड कर देंगे तो 12, और जब हम 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर। तो इस तरह से x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, और यही काम जब हम इस सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो -7/4 यहाँ पर भी इधर प्लस में आ जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो इनका डिनोमिनेटर है उसको कॉमन हमने लिख दिया, और 7 - 5 यानी कि 2। और इस तरह से जब 2/4 को हम सोल्व करेंगे तो ये दोनों 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, और इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है 3 and 1/2। और इसको सोल्व करने से पहले ही जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था तो वो पॉजिटिव आया था, यानी कि 0 से ग्रेटर आया था, और वहाँ पर हमने कहा था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि रूट्स रियल हैं यानी उनको फाइंड किया जा सकता है, और वो डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों नंबर अलग अलग ही हमारे पास आए हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, तो इक्वेशन यहाँ पर है 2x² + x - 4। तो जब आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़, और 4ac यानी कि 4 के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 को और इस -4 को। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नेगेटिव के साइन हैं, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32। तो इस तरह से 1 + 32 = 33, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी 0 से ग्रेटर ही है। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह से लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड को यूज़ करके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x² का जो कोफिशेंट है, तो जो भी नंबर वहाँ पर लिखा रहेगा सबसे पहले हम उसी नंबर से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाएगी x², सेकेंड टर्म x/2, और थर्ड टर्म जो 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो -2, और 0 को किसी से भी डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा। अब इसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि इस मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वो स्टेप क्या था कि हमें देखना है x के कोफिशेंट को। तो यहाँ पर x के आगे ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम वहाँ पर मान सकते हैं 1 और डिवाइड में है 2, यानी कि इस तरह से यहाँ पर x का कोफिशेंट हो जाएगा 1/2। फिर मैंने आपको कहा था कि x के कोफिशेंट का हाफ करना है, तो x के कोफिशेंट यानी 1/2 का हाफ करने के लिए हम इसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा 1/4। और मैंने आपको ये कहा था x के कोफिशेंट के हाफ का स्क्वायर, तो x का कोफिशेंट ये है, इसका हाफ ये है, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/4 का स्क्वायर, तो वो 1/4 का स्क्वायर उस इक्वेशन में हमें एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, और ये हम इन दोनों टर्म्स के बीच में करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस x² को एज इट इज लिख दिया, x/2 को भी एज इट इज लिख दिया, और -2 को भी एज इट इज लिख दिया। पर यहाँ बीच में दो टर्म हमने खुद से लिखी हैं, एक है प्लस का 1/4 का स्क्वायर और एक है -1/4 का स्क्वायर। और ये 1/4 कहाँ से आया, ये अभी आपको मैंने बताया था कि हमने x के कोफिशेंट यानी कि 1/2 का हाफ किया तब हमें मिला है 1/4, और उसी 1/4 का स्क्वायर हमने एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो पहले तीन टर्म हैं,
इनको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लिखेंगे तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये ओपन करके बताया भी था कि अगर आप इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके ओपन करते हो, जैसे कि अगर आप x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर आप लिखोगे x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 एंड बी स्क्वायर यानी कि अगेन 1/4 का स्क्वायर। तो हम इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, तो ये तीन टर्म क्या बचेंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मिडिल टर्म में आ जाएगा एक्स बाय 2 और थर्ड टर्म है 1/4 का होल स्क्वायर। तो यही तीन टर्म हमारे पास यहाँ इस स्टेप में लिखी हुई हैं, तो इसीलिए हमने इन तीनों का स्क्वायर कंबाइन करके लिख दिया है एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो माइनस 1/4 स्क्वायर था, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ और 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। ये माइनस 2 एज इट इज़ एंड इक्वल्स टू 0। तो इस माइनस 1/16 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में और इस माइनस 2 को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम 2 के डिवाइड में 1 लेट कर सकते हैं, 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16, उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 16 को 2 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से 32 प्लस 1 ये हो जाएगा 33 एंड डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पर भी हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे रूट में और रूट के साथ साथ हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस का साइन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद जो 33 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यानी कि रूट 33 तो एज इट इज़ ही रहेगा, पर जो 16 है हमें पता है कि 16 का रूट होता है 4, तो यानी कि हमने इस नंबर को लिख दिया है रूट 33 डिवाइड बाय 4। अब इसके बाद इसके आगे प्लस माइनस का साइन है, यानी कि हम इसको एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एक्स प्लस 1/4 को। तो जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में, इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है उसको हम कॉमन ले लेंगे तो ऊपर लिखा जाएगा माइनस 1 एंड प्लस रूट 33। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, यानी कि ये एज इट इज़ इस इक्वेशन का फर्स्ट रूट आ गया है। सेकेंड रूट फाइंड करने के लिए इस 1/4 को भी हम यहाँ माइनस में लेकर आए, फिर इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमने इस तरह से कॉमन लिख दिया है और अब इसके ऊपर है माइनस 1 माइनस रूट 33। तो यहाँ पर भी एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो इनको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इस इक्वेशन में एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, तो ये इस इक्वेशन के आंसर हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3, तो इक्वेशन हमारे पास है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू 4√3 एंड c की वैल्यू 3। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हम फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसका b² की जगह पर हम लिखेंगे 4√3 के स्क्वायर को, उसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज़ एंड 4ac की जगह पर हम लिखेंगे 4 × 4 × 3। तो जब हम 4√3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि एक रूट के नंबर के ऊपर जब स्क्वायर आ जाए तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। इस तरह से 4√3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 48। फिर जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी आ जाएगा 48। अब 48 माइनस 48 यानी कि 0। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स का सेकंड केस। आपको मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो इस केस में हम ये कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि जो दो रूट्स हम फाइंड करेंगे वो दोनों रूट इक्वल ही होंगे। तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 4, तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए वो 0 ही रहता है। फिर आपको मैंने बताया था कि इस मेथड का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो क्या है, कि हमें देखना है x के कोफिशेंट को जो कि है √3, और हमें उस कोफिशेंट का हाफ करना है। तो √3 का हाफ हो जाएगा √3/2, और इस तरह से ये जो x के कोफिशेंट का हाफ आया है हमें इसके स्क्वायर को यहाँ पर एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो x का कोफिशेंट था √3, उसका हाफ आया √3/2, तो हमने √3/2 के स्क्वायर को ही एक बार प्लस किया है और एक बार माइनस किया है, और ये हम इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ पर हम स्क्वायर को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि मेथड का नाम ही ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट 3 टर्म्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लिखेंगे तो इनको लिखा जा सकता है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं एक आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी बताया था। तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और ये बीच में है 2ab। तो ये हम किसके इक्वल लिखते हैं हमेशा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर आप ओपन करते हो उस आइडेंटिटी को यूज़ करके, तो वापस से आपको यही 3 टर्म्स मिल जाएंगी। इसके बाद जब हम माइनस √3/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस 3/4 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं कि माइनस 3/4 से प्लस 3/4 कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि हमने पहले दो पार्ट में किया था कि हम स्क्वायर को दूसरी साइड में ले गए थे रूट की फॉर्म में, और हमने वहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी लगा दिया था, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है, और अगर हम 0 के ऊपर रूट लगाते हैं और साथ में प्लस माइनस का साइन, तो हमें पता है कि 0 का रूट 0 ही होगा, और 0 ना तो प्लस में होती है ना ही माइनस में। तो इसलिए हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड में नहीं लेकर जाएंगे, हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ही दो बार लिख देंगे। जैसे कि हमें पता है कि 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, तो ऐसे ही इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था, तो हमने उस स्क्वायर का यूज़ करते हुए इसको ही दो बार लिख दिया है। तो अब इस तरह से हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं जिनको हम एक एक बार 0 के इक्वल में लिख देंगे। तो यहाँ पर जब हम x प्लस √3/2 को 0 के इक्वल लिखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी −√3/2, और वहीं दूसरे फैक्टर से भी x की वैल्यू −√3/2 ही आएगी। और ये हमने इस वाले पार्ट के स्टार्टिंग में ही कहा था, जब हमारे पास b² − 4ac 0 के इक्वल आ गया था, तो हमने वहाँ पर लिखा था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि जो रूट्स हम फाइंड करने वाले हैं वो इक्वल आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं वो दोनों रूट्स इसमें इक्वल ही हैं। अब इसके बाद इसी सम का फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन हमें दी गई है 2x² + x + 4 = 0। अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 1, और c की वैल्यू मिलेगी 4। फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² − 4ac। तो b² यानी कि इस 1 का स्क्वायर माइनस का साइन, फिर 4ac यानी कि 4 × 2 × 4। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 32, फिर 1 − 32 यानी कि −31। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर b² − 4ac नेगेटिव है, यानी कि ये 0 से छोटा है, और ये नेचर ऑफ रूट्स का थर्ड केस है जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर b² − 4ac नेगेटिव आ जाए, 0 से लेस आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उनको फाइंड ही नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका पता कर सकते हैं कि उनका नेचर क्या है, यानी कि वो किस टाइप के हैं, कि वो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट हैं, वो इक्वल हैं, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये हम चेक कर सकते हैं सिर्फ उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का यूज़ करके। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम एक और मेथड के बारे में जानेंगे जिसका यूज़ करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तब तक आप इस सम के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।